हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमने संगीत में अलग अलग विधाओं के बारे में आपको बताया था कि संगीत में तीन विधाएं होती हैं, नृत्य, वादन, गायन, यानी कि डांस, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। सो देयर आर थ्री स्टेप्स इन द होल दिस थिंग। होलिंग मीन्स इन दिस म्यूजिक। ओके, तो ले आगे इसी बात करते हैं कि संगीत में हमने सात स्वर बताए कि कैसे संगीत में सात स्वर होते हैं और उसको कैसे हमने डिफाइन किया था। देखते हैं एक बारी और। हेलो हेलो हेलो, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि संगीत में सात स्वर होते हैं। देयर आर सेवन मेन नोट्स इन द म्यूजिक। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा, सा सा नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। तो ये सात स्वर हैं। देखो सा रे गा मा पा धा नी, सात स्वर यानी कि सी सी डी ई एफ जी एच। यानी कि ये सारे आप याद रखना कि हमने सी से सी किया है तो ए बी सी डी ई एफ जी, यानी सात स्वर। ठीक है ना, कैसे अब हमने सी से लिया है, यानी यहां पे सा है, सा सा री गा मा पा धा नी, यानी नी, यानी सात स्वर। और कहीं से भी ले लो, कोई वो नहीं है। सा री गा मा पा धा नी है ना, अब यहां से भी सा री गा मा से सा पहुंचे, सी से सी पहुंचे, डी से डी पहुंचे, ई से ई पहुंचे और जी एफ से एफ पहुंचे और जी से फिर जी पहुंचे। यानी कि ये एक पूरा स्केल होता है ना। यानी सा से चले सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा नी सा। तो ये याद रखना है कि हमें जब भी गाना है उन सात स्वरों के अंदर ही गाना है। ये नहीं कि भाई हमने चलो सात स्वर सीख लिए तो बस हमने म्यूजिक सीख लिया। अरे भाई, इसमें तो सालों साल लग जाते हैं संगीत सीखते सीखते, अभी भी हम सीख रहे हैं। और ये नहीं कि इसमें बस एक बारी हमने सात स्वर गा लिए तो भाई आप तो हम पंडित बन गए, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें अच्छे से संगीत सीखना है। कैसे, अब जैसे मैंने पिछली क्लास में सरगम बताई थी, इस बार बता रहा हूँ सा जिसके पास में कैसियो हैं, छोटे छोटे कैसियो होते हैं और ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो लेने में तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और मुझे व्हाट्सएप पे बता सकता है कि भाई सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बताऊंगा कि कौन से कैसियो आपके लिए बेटर हैं। आजकल छोटे छोटे आते हैं, करीब मतलब 2-2.5 हज़ार में आसपास में छोटे कैसियो आ जाते हैं। मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और जो छोटे छोटे कैसे होते हैं वो आराम से आप उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं और साथ में अडाप्टर भी आता है और उसमें बैग भी आता है और बहुत छोटे हैं, है ना। कंपनी के होते तो अच्छे भी होते हैं, तो उन पे आप बजा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि सरगम में अब सिंपल आपने बजाना है, अब मम्मी पापा को तंग नहीं करना है और घर बैठे प्रैक्टिस करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो फट से व्हाट्सएप पे मुझे बात करनी है कि सर ये मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा आप बताएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो पहले अच्छे से देखना है ना। और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जो GRS Music 1 पर यानी YouTube पर हैं, YouTube यार यानी कि G
grsmusic1@youtube.com। तो उन पर आप जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो वीडियोस हैं उसमें आपको अलग अलग गाने आपको बजाने के लिए आपको मिलेंगे वहां पर, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब जब बात हुई हमारी सात स्वरों की, अब बात करते हैं सेकंड, यानी पहला सर हम पहले गा लेते हैं, पहले गा लेते हैं सारे सेकंड कर लेते हैं, यानी कि पहले एक एक स्वर किया था, अब हमने डबल डबल स्वर कर लेते हैं। ओके, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, ठीक है। अब ये हुई दूसरी सरगम। अब हम ये सोचे कि भाई हमें तो सरगम आ गई, ऐसा नहीं है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है और सिल पर पड़त निशान। तो हमेशा याद रखना है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, याद रखना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं आएगा। हम सोचे भाई हम तो दो सरगम कर ली, हम तो म्यूजिक के मास्टर हुए, ऐसा नहीं है। जब तक हम अच्छे से कोशिश नहीं करेंगे और सर को बताएंगे कि कैसे हमने इन म्यूजिक की जो सरगम है सीखी है और म्यूजिक के बारे में हमने उसको किया है, तभी हम इसको हम ध्यान रख सकते हैं, हम अच्छे से तभी करेंगे, ठीक है। तो ये सरगमें करें, जैसे कि आज मैंने दो सरगम बताई आपको, पहली बताता हूँ आपको, अच्छा दूसरा रिदम की भी देख लो एक बारी, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हो गई आपकी पहली सरगम, ठीक है। अब दूसरी सरगम कर लेते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। ये सब बेसिक हैं, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा आप क्या कौन सा म्यूजिक बजा पाएंगे, या केसरी हो, है ना, कि वो कितने सारे गाने हैं देशभक्ति गाने हैं, है ना, और उनको जब तक आप ये सरगमे नहीं बजाओगे सरगमे से, तब तक आपको वो बजाना नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करना है, कोशिश जो करते हैं वही सफल होते हैं। तो मैंने जैसे अभी दो सर्ग में बताई और आगे बताऊंगा मैं आपको, और ध्यान देना है कि हमें अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें दो गज की दूरी रखना है, हमें घर से बाहर जब भी मम्मी पापा घर से बाहर जाएं तो उनको बोलना मास्क लगाना है, और जब भी घर से बाहर से घर में आए तो उनके हाथ धुलवाने अच्छे से, और सैनिटाइज करना है हाथों को, ध्यान रखना जैसे कि आप स्कूल में भी करते हो, सैनिटाइज करना है, अच्छे से हाथ धोना है, और 20 सेकंड तक अच्छे से किसी भी साबुन से अच्छे से हाथ धोना है, और तब जाके आपने मम्मी पापा को बोलना है कि आप क्या कहते हैं घर में आ सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि कई बार अब जैसे कि आजकल बीमारियाँ चल रही है तो हमें अभी थोड़ा परहेज रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ये परहेज नहीं रखेंगे तो भैया देखो अभी बहुत मुश्किल चल रहा है। इसलिए कोशिश करो कि घर से बाहर जाना ना हो, कम से कम बाहर जाए, किसी भी फ्रेंड से मिलने या किसी भी कहीं से भी जाए, लेकिन अभी मत जाए, अभी मम्मी पापा के पूछे बगैर कहीं ना जाए। और मम्मी पापा भी जब घर से बाहर जाए तो उनको जरूर बोले कि भाई मास्क जरूर लगाना है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत, जय हिंद।